अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद अली हैदर और खबरों में हमें साथ हासिल रहेगा उस्मान अमान और बकार शफीक का। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और आपको कराएंगे सैर कालाम की महोडन झील की। कालाम की महोडन झील का शुमार कुदरत के हसीन शाहकारों में होता है। इस खूबसूरत झील की सैर करा रहे हैं शिरीनज़ादा। कुदरत ने वादी स्वात समेत पाकिस्तान के कुछ इलाकों को हुसन से मालामाल करते वक्त बड़ी पयाजी से काम लिया है, इसलिए दुनिया भर से सयाह अपनी आंखों को कुदरती मनाजर से खीरा करने के लिए यहां आते रहते हैं। इन्हीं मज़ाहिर कुदरत में है महोडन झील। महोडन झील का लाम से 34 किलोमीटर दूर मशरक की तरफ वाकया है। इसके रास्ते पर बर्फ से ढकी पलकसीर की पहाड़ी, ग्लेशियर और खूबसूरत आबशार हर एक की खास तवज्जो का मरकज है। बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं और बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इस मनमोहनी झील का रास्ता गुज़श्ता 5 साल से बंद था। जीओसी स्वात मेजर जनरल गुलाम कमर की हिदायत पर पाक फौज के इंजीनियर कोर ने इस रोड को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने रोड की जो है वाइडनिंग की है और अभी आखिरी स्टेप में हम रोड की लेवलिंग और ग्रेडिंग कर रहे हैं ताकि रोड को ज्यादा से ज्यादा हमवार बनाया जाए। महोडन में घोड़ा सवारी, राट के जरिए ट्राउट मछली पकड़ने की सहूलत के अलावा सयाहों के लिए किश्तरानी का इंतजाम भी मौजूद है। रोड खुलने से तक ये मेहमान सारा अभी आ रही है, समझ आए, तो इससे हम लोगों को बहुत असर पड़ा है, तो इसी वास्ते कारोबार इंशाल्लाह आइंदा भी बेहतर होगा। झील के चारों तरफ जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए कुदरती मनाजर का एक दिलकश सिलसिला जा बजा पहला दिखाई देता है। महोडन झील में सयाहों की आमद का सिलसिला जोर शोर से जारी है। ताहम इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए मजीद ठोस इकदाम की जरूरत है ताकि मुकामी लोगों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम हो। शिरीनज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, महोडन झील, स्वात। और आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों पर।